नमस्कार, आरोग्य मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ वनिता। दोस्तों, आज आरोग्य मंत्र में हमने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जिसको आम तौर पर हम अपने आसपास सुनते रहते हैं, जिसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते भी रहते हैं, और स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती एज के साथ आती है। इस प्रॉब्लम का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हम अपने आसपास बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और हमें अपने शो में ऐसे बहुत सारे कॉल्स भी सुनने को मिलती हैं जिसमें लोग अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है या उसके सिम्टम्स हैं। तो आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हम और भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला देते हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 01294040404। इस नंबर के ज़रिए आप जीवा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने आप को फ्री में रजिस्टर करा सकते हैं ताकि आपको यहां से प्रॉपर कंसल्टेशन मिल पाए, फ्री कंसल्टेशन मिल पाए। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, जो हमारे आज के इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगे और साथ ही आपके सवालों का जवाब भी देंगे, विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अक्सर हमारे शो में लोग कॉल करते हैं अपनी मदर के बारे में या अपने पिताजी के बारे में शिकायत करते हैं कि उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। देखिए, मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको जरूर समझाऊंगा और बताऊंगा दर्शकों को भी, लेकिन सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक संदेश देना चाहूंगा कि बहुत सारे पेशेंट हैं इस रोग के आज, और जनरली ये ओल्ड एज में होना चाहिए ये रोग, लेकिन आजकल 40-45 में भी हमें ये रोग देखने को मिल रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते। हम अपनी ये जो गाड़ी है, जो हमारी कार रूपी जो हमारा शरीर है, इसकी कोई देखभाल नहीं करते। आप एक मोटरसाइकिल भी रखते हैं घर में, या साइकिल भी जिनके पास है उसकी भी साफ़ सफाई करते हैं, उसकी भी छुट्टी वाले दिन थोड़ा उसमें तेल डालते हैं, ऑयलिंग करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। इसकी कभी आज तक सर्विसिंग कराई है आपने? कभी इसमें तेल डाला है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। मैं आपको बहुत गंभीरता से ये बात बता रहा हूँ, और आपको थोड़ा सा ये इस पर गंभीर होना चाहिए कि अगर आपको जीवन में सुखी रहना, क्योंकि भारत में ये रोग बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है कि किस प्रकार से आगे की जो बीमारियाँ आने वाली हैं उससे कैसे बचाव करें। जब आ जाती है उस टाइम भी केयर नहीं करते। हमारे पास तो कॉल जब आती है, जब 7-8 साल 10 साल पुराना हो जाता है रोग, और उसमें भी कुछ नहीं किया उन्होंने जी। कुछ भी नहीं किया, 7-8 साल ऐसे ही चलते गए, रोग बढ़ता गया। तो मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले एक नियम बनाइए, जिन लोगों को अभी ये रोग नहीं आया, कि तिल के तेल की मालिश रोज करें, साल में एक आध बार पंचकर्म भी आप कराएं, थोड़ा सा लुब्रिकेशन बॉडी का, स्नेहन या उसको जो क्लीनिंग कराना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको हम समझाएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और कैसे इस रोग को हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो इसे आज अच्छे से समझेंगे, लेकिन आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। ओके, धन्यवाद। मैं रेखा गर्ग बोल रही हूँ गाजियाबाद से जी। रेखा जी बताइए। मेरे को 4-5 साल से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी उम्र कितनी है आपकी? सर नमस्ते। नमस्ते जी, उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है 47 ईयर। 47? हाँ जी। अच्छा, अभी आपका जो है मेनोपॉज हो गया, मासिक धर्म अभी चल रहा है, बंद हो गया? सर अभी मेरे को 7 महीने पहले फाइब्रॉइड थी बहुत बड़ी, तो यूट्रस रिमूव कर दिया, ओवरी भी रिमूव कर दी, जब से मुझे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई जी। देखिए, मैंने इसलिए प्रश्न पूछा, थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न पूछा, पर्सनल क्वेश्चन है वैसे, पर अब आपने प्रश्न पूछा तो पूछना भी पड़ता है कि जो ये रोग है ऑस्टियोपोरोसिस, आपने कहा कि इसका एक कनेक्शन मेनोपॉज के साथ है। जब हमारे शरीर में जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो हार्मोन्स बनते हैं फीमेल्स में, वो जब कम होने लगते हैं तो उसका असर हमारी कैल्शियम पर पड़ता है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 40 साल की अवस्था के बाद ही महिलाओं को विशेष रूप से कैल्शियम युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और गाजियाबाद में आप रहते हैं तो हमारी क्लिनिक है, वहाँ पर डॉक्टर से जाके परामर्श भी आप कर सकते हैं थोड़ा सा, और आप पर्सनली जो है उनसे मिल करके और कुछ और भी उपचार वहां से प्राप्त कर सकते हैं जी। तो जो बातें बताई हैं डॉक्टर साहब ने, उनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे आते हैं, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया उसका जी। तो अभी इंट्रोडक्शन तो देना है, अभी तो मैंने लोगों को आगाह किया कि अपनी प्रिवेंशन करनी चाहिए, बचाव करना चाहिए, गाड़ी की सर्विसिंग करनी चाहिए, जैसे कि आप अपनी दूसरी गाड़ी की सर्विसिंग और देखभाल करते हैं। ये गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी गाड़ी तो अगर आपकी खराब भी हो जाएगी तो दूसरी खरीद लेंगे आप जी। ये अगर एक बार खराब हुई, अगर एक बार ग्रीस खत्म हो गया हड्डियों का, फिर तो डॉक्टर भी कह देता है आपको कुछ नहीं हो सकता है।
बदलवा भी लोगे पुर्जे, फिर भी वो ज्यादा दिन नहीं चलते, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की आज हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में जिसको हम संधिवात कहते हैं, और अंग्रेजी में नाम हम इसलिए बताते हैं कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके घुटने के अंदर जो गद्दी थी, जो कार्टिलेज थी, वो सूख गई है, वो घिस गई है, आपकी जो है दोनों हड्डियां रगड़ खाती हैं, गैप कम हो गया है, या ग्रीस सूख गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, कई नामों से इसको समझाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि किस प्रकार से ये रोग होता है। क्या मैंने बताया कि जब हमारी दो जो हड्डियां जो हैं जोड़ की, उसके बीच की जो गद्दी है, कार्टिलेज है, जो लुब्रिकेशन है, या आयुर्वेदिक भाषा में कहें श्लेषक कफ, जब सूख जाता है तो उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात। अब सूखता क्यों है, क्या क्या कारण है उसके, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 01294040404, जिसके जरिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस शो के दौरान भी और इस शो के बाद भी। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं।